देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं, चौथे फेज की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। इसी बीच सीपीआईएम के दीपांकर भट्टाचार्य ने हाल ही में पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि देश में हुए 3 चरणों के मतदान के बाद पीएम मोदी के चेहरे पर हार का डर साफ दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरते हुए कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। दरअसल पीएम मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 167 साल पहले 10 मई 1857 को भारत के किसानों और सिपाहियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। आज मोदी सरकार उन्हीं अंग्रेजों की सोच को आगे बढ़ाकर देश के किसानों का अपमान व शोषण कर रही है। हमें अपने वोट का इस्तेमाल कर मोदी सरकार को हटाना है और 1857 की विरासत को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही है। हमें चुनाव के आगामी चरणों में एनडीए के खिलाफ जनता के आक्रोश को और नई गति देनी है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि बिहार में चौथे चरण में मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और दरभंगा में 13 मई को मतदान होना है। हालांकि पिछले 3 चरणों में बिहार में वोट परसेंट काफी कम रहा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले चरणों में एनडीए गठबंधन को फायदा होता है या इस बार इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।